कार्बोहाइड्रेट मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइट और पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड प्रोड्यूस दिन हाइड्रोलिस एंड कार नेचर कार्बोहाइड्रेट्स पोलीहाइड्रोक्सी एलडीहाइट प्लस पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं मतलब हाइड्रोक्सी पोलीमीन्स मैनी पोलीमीन्स मैनी हाइड्रोक्सी मीन्स ओ एच ग्रुप्स मैनी ओ एच ग्रुप्स होते हैं और एल्डिहाइड अटैच होता है या कीटोन और द कंपाउंड मतलब या तो अटैच होते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम उनकी ताकि ये कंपाउंड दे दे वो मैनी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन और उनमें से जो नेचर होगी कार्बोहाइड्रेट्स की उनमें से एक कार्बन जो वो कायरल होगा मतलब उसके साथ जो सारे ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होंगे अटैच सो कार्बोहाइड्रेट्स आर पोलीहाइड्रोक्सी एल डिहाइड्रो पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स द कंपाउंड विच प्रोड्यूस दिस अपन हाइड्रोलिस एंड आर कायरल इन नेचर मीन्स मैनी हाइड्रोक्सी ओएच मतलब जो स्ट्रक्चर होगी कार्बन के विद रिस्पेक्ट अटैच होंगे उसके साथ ओ एच ग्रुप मैनी ओ एच ग्रुप अटैच होंगे मैनी पोली मीन्स मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स ओ एच ग्रुप एल डी हाइड या फिर कीटोन एल डी हाइड या फिर कीटोन या फिर उनके साथ एल डी हाइड अटैच होगा या फिर कीटोन दोनों में से कोई एट टाइम वन ही अटैच होता है और उसमें से एक कार्बन कायरल सेंटर होगा मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट जितने भी चार डिफरेंट ग्रुप्स होंगे वो चारों के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे ए बी सी डी तो वो डिफरेंट ग्रुप्स है तो कार्बन कायरल सेंटर होगा वो स्टार से रिप्रेजेंट होगा सो ये थी डेफिनेशन हमारी कार्बोहाइड्रेट्स आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कम्पाउंड विच प्रोड्यूस दिस एंड कायरल इन नेचर मैनी ये स्ट्रक्चर ले लो या फिर ये यहाँ पे डिफरेंट मैनी ओ एच ग्रुप्स है तीन ओ एच ग्रुप्स है मतलब पोलीमिश मैनी ओ एच ग्रुप्स हाइड्रोक्सी एल डी हाइड या कीटोन एल डी हाइड होगा अगर कीटोन हुआ तो कीटोन कहीं बीच में अटैच होगा और अगर एल डी हाइड हो तो एल डी हाइड टॉप पोजिशन पर ही होता है हमेशा क्योंकि उसके पास एक ही बॉन्ड होगा अटैक करने के लिए उसके पास एक ही बोंड होता है अटैक करने के लिए सी एच ओ ये वाला बोंड एक होगा तो वो सबसे ऊपर होगा बट किटोन के पास दो होंगे एक दो तो वो ऑब्वियस है सेंटर पोजीशन में ही होगा इसके पास एक है तो ये एक तरह से अटैक करेगा और एक कार्बन कायल सेंटर होगा तो यहाँ पे ये वाला कार्बन कायल सेंटर होगा क्योंकि इस पे के रिस्पेक्ट सभी ग्रुप्स डिफरेंट है ओ OH एच भी डिफरेंट है यहाँ पे भी डिफरेंट ही होगा नीचे डिफरेंट है ऊपर भी डिफरेंट ही है और यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास दैट इज एल्डीहाइड यहाँ पे कीटोनिक मैनी ओ OH एच ग्रुप्स और एक सेंटर तो होगा मिनिमम सो दिस इज़ अवर कार्बोहाइड्रेट सो ये है हमारे दोनों कार्बोहाइड्रेट्स सो फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड कम्पाउंड जनरली प्रोड्यूस दिस अब हाइड्रोलिस एंड कायरल नेचर